तो बिहार की आईआईटी फैक्ट्री से फिर इस बार 44 आईआईटीएंस निकल चुके हैं। बिहार की आईआईटी फैक्ट्री यानी गया का एक गांव जो अपने आप में मिनी कोटा है, जिस प्रकार से कोटा को आईआईटी की फैक्ट्री कहते हैं, जिसको भी तैयारी करनी होती है उनका पहला पसंद कोटा होता है, ठीक यही हाल बिहार के इस गाँव का है जो कोटा से बिल्कुल भी कम नहीं है। हर साल यहाँ भर भर के आईआईटीएंस यहाँ से निकलते हैं, हर साल दर्जनों लड़के लड़कियां यहाँ से आईआईटी क्रैक करते हैं और इसीलिए बिहार के इस गांव को मिनी कोटा और बिहार का इंजीनियर फैक्ट्री कहते हैं। इसको आईआईटीएन का हब कहा जाने लगा है और फिर से इस साल भी गांव ने अपने परंपरा को कायम रखते हुए गांव से 44 बच्चों ने जेईई एडवांस की जो परीक्षा है उसको पास कर ली है। इस गांव की खास बात यह है कि जितने भी बच्चे पास करते हैं इसमें अधिकतर कमजोर घर के बच्चे हैं। गया का यह गाँव जिसका नाम पटवा टोली है, यह बुनकरों का गाँव है और इस बार 44 बुनकरों के बच्चे ने जेई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की है, उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया है। इस गांव में आईआईटीएन के निकलने का परंपरा काफी पुराना है, जिसका नतीजा है कि करीब 18 से अधिक देशों में यहां से निकले इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज पर ये लोग काम कर रहे हैं और अपने गाँव और बिहार का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अब कैसे इस गाँव के बच्चे लगातार आईआईटी की परीक्षा में पास होते हैं, जिस आईआईटी की परीक्षा को काफी कठिन माना जाता है, मुश्किल माना जाता है, उसको यह गांव कैसे आसानी से पार पा जाता है, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सुनील मिश्रा। कैमरा के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। गया का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम पटवा टोली है, जहाँ से हर साल दर्जनों लड़के आईआईटी में के जो प्रवेश परीक्षा होता है उसको पास करते हैं, जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा को पास करते हैं और इंजीनियर बनते हैं। यह गांव जिसमें मूल रूप से बुनकर रहते हैं, मतलब कि गांव में बुनकर जाति का ही बहुमत है, सबसे ज्यादा बुनकर इस गांव में भरे पड़े हैं और इस गांव में पढ़ाई का आलम ऐसा है कि जो काम पटना और दिल्ली जैसे बड़े बड़े कोचिंग वाले नहीं कर पाते हैं, मोटी फीस लेकर ये लोग इतनी ज्यादा संख्या में रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन बिहार के गया में बुनकरों का एक छोटा सा गाँव इन सारे बड़े शहरों और सारे बड़े कोचिंग संस्थानों पर भारी पड़ जाता है। और हर साल की तरह इस बार भी गया के इस गाँव से करीब 4 दर्जन आईआईटीएंस निकले हैं। ये संख्या अपने आप में काफी बड़ी है, पूरे जिले में इतने ज्यादा बच्चे नहीं निकल पाते हैं, लेकिन ये छोटा सा गांव बड़े बड़े जिलों पर भारी है। इस साल भी यहां से 44 बच्चे निकले हैं और इसमें सबसे ऊपर हैं गुलशन कुमार। गुलशन ने इस साल ऑल इंडिया रैंक में 120वां स्थान हासिल किया है, ओबीसी कैटेगरी में इनका स्थान 20वां है और इतना बड़ा कारनामा करने वाले गुलशन के पिता बुनकर हैं, वो कपड़ा बुनाई का काम करते हैं। गुलशन की माँ भी एक हाउसवाइफ है, यानी इनका पूरा परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है और इतने छोटे से परिवार से आने वाले गुलशन ने छोटे से गांव में रहकर पूरे बिहार का नाम ऊंचा कर दिया है। गुलशन के अलावा भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर है, फिर भी उन्होंने सब शानदार सफलता हासिल की है, जिनका घर चलना काफी मुश्किल से उनका घर चल रहा है। अब वो देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, लाखों करोड़ों के पैकेज पर उनका प्लेसमेंट होगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनको अपने यहाँ हायर करके ले जाएंगी और ये सारा काम करने के लिए पटवा टोली गांव के बच्चों को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस काम के लिए दूसरे जगह के बच्चे अपने घर परिवार को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मोटी मोटी फीस देकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं और इसके बावजूद भी वो जेई मेन्स और एडवांस की परीक्षा को वो पास नहीं कर पाते हैं, तो दूसरी तरह एक पटवा टोली गाँव है जो हर साल गाँव में रहकर ही दर्जनों बच्चे को इंजीनियर बना रहा है, आईटीएन बना रहा है और इसीलिए इस गाँव को आईआईटीएंस की नगरी, तो आईआईटी फैक्ट्री, आईआईटी हब ये सब कहा जाने लगा है। इस पूरे गांव में अलग ही पढ़ाई का माहौल है, सारे बच्चे आपस में मिलकर पढ़ते हैं और बच्चों का कहना है कि इसके लिए उन्हें कोई अलग से खास तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये लोग आपस में ही एकदम फोकस करके पढ़ाई करते हैं। साथ ही एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसका नाम है वृक्ष, वो भी इन बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है। पास हुए बच्चों का कहना है कि संस्था द्वारा ऑनलाइन अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है और इस संस्था से पढ़ रहे 11 बच्चे भी जेई एडवांस के जो परीक्षा हुआ उसमें सफल हुए और इसके साथ 33 और बच्चे जो इस गांव के हैं वो गांव में रहकर ही तैयारी कर रहे थे, वो सब भी पास हुए हैं। कुल गांव में रहकर एक बैच में एक साथ 44 बच्चे पास कर जाते हैं और यह संख्या अभी तक का सबसे ज्यादा संख्या है। एक साल में इतने बच्चे कभी भी इस गाँव से पास नहीं हुए थे। इस बार का संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतनी संख्या में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो लाखों लाख की फीस लेते हैं, करोड़ों करोड़ों में अपने टीचर्स की वो सैलरी देते हैं, वहां से भी इतने सारे बच्चे एक बार में नहीं निकल पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पटवा टोली है जो बेहद कम संसाधन में ये सारा मुश्किल काम आसान करके दिखाती है और अपने आप में ये गाँव बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के लिए अजूबा बना हुआ है। बाकी आप लोग इस गाँव के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।